हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभकदम में। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में बात करने वाला है एक स्विंग ट्रेड के बारे में, जो कि मैं अगले आने वाले हफ्ते में लेने का ट्राई करूंगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनालिसिस बन रहा है इस वाले स्टॉक के में। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इसकी मैं पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। स्टॉक की प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर 20 रुपीज है। ये पेनी स्टॉक है और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले दिनों में। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इसकी इन डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले संडे को मैंने एशियन पेंट्स यहाँ पर बताया था। एशियन पेंट्स भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके पिछले वाले संडे में हमने यहाँ पर टीवीएस मोटर के बारे में डिस्कस किया था। टीवीएस मोटर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस वाले संडे में आपके साथ में यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। उसका पूरा डिटेल एनालिसिस आप देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, तो ही आपको यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरीके का रिस्क है, किस तरह से मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा, क्या मेरे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक सिर्फ स्विंग के लिए ही नहीं, यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है टेक्निकली। यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ आपको, ये आगे जैसे जैसे आप वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बोला था कि मैंने आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से थोड़ा सा बड़ा व्यू देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक मार्केट में कहावत है, जो भी चीज यहाँ पर गिर रही हो यहाँ पर उसे बाय नहीं करना चाहिए तब तक जब तक ये रिवर्सल के साइंस ना दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो रिवर्सल के साइंस है, इसी वजह से इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ये सबसे पहला साइन है, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला सपोर्ट, ये मंथली टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट है। प्राइस ने थोड़ा सा देखिए यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है ना। फिर प्राइस ने आप यहां पर देखिए इस वाले डाउन ट्रेंड लाइन को और ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि प्रीवियसली सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी यहां पर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको भी यहां पर ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट जो है वो अच्छे वॉल्यूम वाले कैंडल से हुआ है, ठीक है ना। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट को आई है और रिटेस्ट पे यहाँ पर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर से हमें अपसाइड में कंटिन्यूएशन मिले। ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। थोड़ा सा अभी और डिटेल में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं ये सारी बातें रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दो रिवर्सल के साइंस बता दिए, तीसरा रिवर्सल का साइन थोड़ा सा देखिए। अगर मैं आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में लेके चालू तो आपको क्लियरली यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल का पैटर्न होता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक रैली लगा, रैली के बाद में यहाँ पर से रिट्रेसमेंट आया और प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट को है। मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले ये पर्पल कलर का लेवल, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पर हमारी 200 पीरियड की ये जो ग्रीन लाइन है, ये हमारे 200 पीरियड की ईएमए है और इसका भी यहाँ पर प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रहा था। प्राइस ने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, आप थोड़ा सा देखिए वीकली चार्ट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने यहाँ पर रेड वाली कैंडल बना दी है इस वाले वीक की। पर इस पे इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है, मतलब जो बड़े ट्रेडर से ये यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, ये वाली जो छोटी सी मूवी है उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या फिर जो छोटे लोग है वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर से वॉल्यूम से पता चल रहा है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम होता तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात होती, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल पे वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको यहाँ पर से तीन रीजंस दे दिए कि क्यों यहाँ पर मुझे रिवर्सल लग रहा है कि ये जो स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम में गिर रहा था पर अभी यहाँ पर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी सबसे पहले बात कर लेते कि प्राइस यही पर से क्यों गिरी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर से जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर से यहाँ तक एक बहुत ही अच्छी रैली लगाई थी, डाउनफॉल हुआ था। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पर टूल लगा दूंगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो प्राइस ने 0.618, आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने 0.618 का रेशियो से यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था। और एक रीजन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, पर ये मैंने छोटा सा रीजन बता दिया कि यहाँ पर से फॉल आया। और अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से यहाँ तक एक बहुत ही अच्छी अपमूव लगाई थी
और प्राइस ने सपोर्ट कहां पर ले रहा है। प्राइस आप यहां पर थोड़ा सा देखिए, प्राइस यहां पर से गिर रहा था और जब प्राइस गिर रहा था तब कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। इसका मतलब बड़े लोग यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ जो छोटे छोटे लोग हैं वो पैनिक होकर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, या तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल्स देखिए और ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम हमें सब कुछ यहाँ पर से बता देता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा 0.618 को प्राइस ने यहाँ पर टच किया, प्राइस यहाँ पर से ऊपर बढ़ने लगी और यहाँ पर से फर्दर ऊपर जा भी सकती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं एंट्री कब करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर से ये सारी चीजें रफ कर देता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आना चाहता हूँ, मैं जो भी स्विंग ट्रेड में एंटर करता हूँ तो 4 आवर में या फिर डेली टाइम फ्रेम में एंटर करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर नवंबर मंथ के लिए वैल्यू एरिया है। अभी वैल्यू एरिया किस तरह से ड्रॉ करके रखा है, करना है, वो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। आपको वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मंथली बेसिस डिमांड एंड सप्लाई करके कुछ तो उसका नेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 200 पीरियड की मूविंग एवरेज भी है और वैल्यू एरिया भी है। वैल्यू एरिया को डाउन साइड में ब्रेक नहीं किया है, तो सिंपल सा मैं क्या वेट करूंगा कि इस वाले वैल्यू एरिया का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पर एक पुल बैक कैंडल मिले और यहाँ पर से मैं बाइंग करूंगा। ये मेरी हर बार प्लान यही होता है, जो भी आपको पता होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, मैं इस तरीके का ही ट्रेड लेता हूँ। वैल्यू एरिया का ब्रेकआउट, उसका रिटेस्ट और यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छी हमें रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुल बैक का इंतजार करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा वैल्यू एरिया के नीचे भी रख सकते हैं और वैल्यू एरिया के बीच में भी रख सकते हैं, पर बीच में रखने से अच्छा है कि ये वाली जो पीओसी है, पीओसी के जस्ट नीचे रखे, और उससे अच्छा कि वैल्यू एरिया के नीचे रखे। ये हमारा स्टॉप सेफ स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो टारगेट्स के लिए मैं थोड़ा सा फिर से आपको मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा, और आप यहां पर देख सकते कि ये पूरा चार्ट जब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर लिस्ट हुआ है तभी से अभी तक का यहाँ पर चार्ट है। और थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर लगा के रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो रेड लाइन है ये ऑल टाइम पीओसी है। पीओसी मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स या फिर वॉल्यूम होता है, ट्रेड्स प्लेस हुए होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ होता है। और पीओसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अभी आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ये वाली जो रेड लाइन है इसका प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर से गिर रही है, ठीक है। वो वाला लेवल क्या है, 25.45, ठीक है। ये लेवल जो है वो, ये रेड लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। हमारे यहाँ पर हम स्विंग ट्रेड लेने वाले, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाली, इस वजह से यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24.85। तो 24.85 पे यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर से मेरा प्लान क्या रहेगा, जैसे ही प्राइस 24.85 पे आएगी मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पर से गिर सकता है, ये यहाँ पर से गिर सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसी वजह से 24.85 पे जैसे ही प्राइस टच करेगी मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा। मैं यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर अपने ट्रेड को रिस्क फ्री बना दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 24.85 की लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीओसी है, ठीक है ना। आपको पता होगा पीओसी बहुत ही अच्छे काम करती है उसी वजह से। और अगर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छी हो सकती है टेक्निकली, तो जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा कोई वीकली या फिर मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो यहां पर से हमें बहुत ही ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर से ब्रेकआउट होना चाहिए, बाकी अदरवाइज मैंने रिवर्सल के साइन सबको आपको यहां पर बता दिए, ठीक है ना। तो अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है पेनी स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स का ये एडवांटेज होता है कि यहां पर से हमें बिग रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर उसके साथ में अच्छी रिस्क भी यहां पर आती है, उसी वजह से हमें उतना पोजिशनल साइजिंग हमारा मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बता दिया कि मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है और मैं यहां पर इन्वेस्टिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड कब लेने का ट्राई करूंगा, जब कोई वीकली कैंडल या फिर मंथली कैंडल ये वाली जो पीओसी है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। अभी बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेड के बारे में फिर से। मैंने आपको फिर से बताया जब 24.85 को प्राइस टच करेगी मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा, या फिर कोई 30 पीरियड ईएमए के साथ में उसको ट्रेल करूंगा। अभी मैं सिर्फ यहां पर देखूंगा प्राइस एक्शन कि प्राइस इसको ब्रेक कर पाती है या फिर नहीं पाती।
अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेक करेगी तो फिर से हमें ये वाला जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस हाई इसने लगाया था ये वाला टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल सकता है। पर अगर यहाँ इस वाले लेवल को प्राइस जैसे ही टच करेगी, मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो होप है कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एनालिसिस आपके साथ में डिस्कस किया है। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से बाय एंड सेल मत कीजिएगा, आपकी एनालिसिस आपकी स्टडी कीजिएगा, और आपकी एनालिसिस मेरी एनालिसिस अगर मैच होती है तो आप पोजीशन ले सकते हो। और एक प्रो टिप मेरे तरफ से, सिर्फ 1% ही इसमें रिस्क लेना, ठीक है? क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के बारे में 100% हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना? जितना वो अच्छा रिटर्न दे सकता है उतना ही अच्छा यहाँ पर रिस्क भी होता है, इसी वजह से पोजिशन साइजिंग हमें यहाँ पर मैनेज करनी चाहिए। तो होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग कंपनी के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।